जोहार नमस्कार। आज झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हम लोगों के साथ है निवर्तमान युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी। सर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब संयुक्त बिहार था मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण 27% किया था। झारखंड राज्य अलग बनने के बाद 27 से 14% का टक्कर दिया गया। अभी आप वर्तमान सरकार में सहयोगी हैं, 2 साल हो गया है लेकिन पिछड़ों का आरक्षण को बढ़ाया नहीं गया है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन के तहत चुनाव जो हो रहे थे, तो हमारे JMM का हो, कांग्रेस का हो, RAD का हो, तीनों के मैनिफेस्टो में था कि हम लोग झारखंड में 27% आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार बनते ही कोरोना का प्रकोप आया और बहुत पूरे देश विदेश हम लोग कोरोना से प्रभावित हुए। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना में काफ़ी वक्त दिए, इसके वजह से वक्त नहीं रहने के कारण इस पे विचार नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग की ये पहल है, हम लोग की ये सोच है, हम लोग ने उनसे पहले भी मांग की है कि जो हम लोग का मैनिफेस्टो में था युवाओं को रोज़गार, 27% आरक्षण, ये सब चीज़ लागू हो, तो हम लोगों ने फिर से ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हम लोग का संगठन डिजॉल्व हुआ। अभी हम लोग का संगठन विद इन ए वीक या 10 डेज में संगठन का हम लोग का विस्तार होगा। विस्तार होने के बाद हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इन सारी मैनिफेस्टो की जो बातें हैं, 27% आरक्षण है युवाओं को रोज़गार का, उसके लिए हम लोग उनसे बात करेंगे और उसको लागू करने का हम लोग बोलेंगे कि उसको लागू कीजिए। जैसा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन रहा है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1952 के बाद से आजीवन विधायक रहे, लेकिन रिक्शा पे चलते थे और झोपड़ी में ही रहते थे 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। तो अभी जो आप लोग जयंती मना रहे हैं और वर्तमान राजनीति को देखा जाए तो इतने ऊँचे आदर्श स्थापित नहीं कर पाते, सिर्फ लोग जयंती मनाते हैं और भूल जाते हैं, तो क्या उनको अनुसरण आप लोग किसी तरह का कोई करने का प्रयास करते हैं? नहीं, आज हम लोग जयंती मना रहे हैं और हम लोग जयंती में अपने जो युवा हैं और जो है नेता हैं उन सबको हम लोग यही सलाह दे रहे हैं कि उनकी जो अनुसरण जिस ढांचा पे वो चल रहे थे, जैसा उनका सादे स्वभाव था, जिस तरह वो झोपड़ी में रहे और सामाजिक न्याय के लिए बात की, उसी सामाजिक न्याय के तहत हम लोग को करना है। उनकी जो सोच थी उसको हम लोग को सोच के साथ ही काम करना है। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे कई असंख्य नेताओं के राजनीतिक गुरु थे,